गाइस, आपको यहाँ पर 10:57 में आपको लॉग इन कर लेना है। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो 5 मिनट का वीडियो लगभग होने वाला है, क्योंकि मैं 10:57 से लेकर मैं आपको 11 बजे तक का पूरा वीडियो शूट करूँगा, लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर माई अकाउंट में जाके मास्टर लिस्ट को ऐड कर लेना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने हैं और मास्टर लिस्ट आपको ऐड कर लेनी। आपको आता होगा आई थिंक मास्टर लिस्ट ऐड करना, तो अब मैं आपको दिखा दूं कि मैंने मास्टर लिस्ट पहले से ऐड करके रखी हुई है, ठीक है। ये मेरा नाम है कुछ, और आपको करना क्या है, अब आपको बुक ट्रेन पे क्लिक करना है। अभी अभी आपको करना है 11 बजे से पहले पहले पूरे काम करने, ठीक है। मास्टर लिस्ट आपको तैयार कर लेनी है, 10:45 पे लॉग इन हो जाना है, 10:57 पे। अब आपको जल्दी से 58 के पहले पहले आपको जहाँ की भी टिकट चाहिए आपको वहाँ का फटाफट से आपको डिटेल्स भरना है। ये तरस निज़ामुद्दीन का टिकट चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ का ले लूँगा। जिस तारीख का चाहिए आपको उस तारीख का भरेंगे, फिर आपको जनरल कोटा में सर्च कर लेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आप गौर करेंगे, जनरल कोटा में सर्च करेंगे उसी ट्रेन का टिकट, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस गाड़ी का टिकट चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3rd AC पे क्लिक करूँगा, ठीक है। आप टाइम देख सकते हैं, 10:58 हो चुका है। मैं इस गाड़ी का टिकट चाहिए मुझे, तो मैं इसको बुक नाउ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। एग्री पे क्लिक करूंगा, मैं जनरल कोटे में बुकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको बताऊंगा कि आप इसी गाड़ी में तत्काल में टिकट कैसे बुक करेंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो आपका टिकट जो है ना बहुत आसान तरीके से बुक होगा। आपको जो जो पैसेंजर आपको चाहिए यहाँ से आप पिक कर लेंगे उन पैसेंजर को। मैं 2 पैसेंजर पिक करता हूँ। अब आपको मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना तत्काल के टाइम पर, खाली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। उस 10:59 हो चुका है, आपको इतना प्रोसेस कर देना 59 पे। फिर आपको यहाँ से मैं करना क्या मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपका जो वो है, अब आपको यहाँ से बैक आना है, फिर आपको यहाँ से बैक आना है, ठीक है। अब आपको अपनी जर्नी वापस से प्लान करनी है। मैं उसी गाड़ी का टिकट बुक करता हूँ और यहाँ से आपको डेट चेंज करनी, और यहाँ से आपको कर देना तत्काल कोटा, यहाँ से कर देना है आपको, ठीक है। पहले आपने जनरल कोटे में किया था, अब यहाँ से आपको तत्काल कोटे में करना है, फिर आपको सर्च करना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से स्टेप को समझेंगे मेरे, तो आपको ये टिकट बुक मिलेगा, यानी कि आपको टिकट बुक होने के चांस जो है ना वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं 20 सेकंड बचा हुआ तत्काल कोटा ओपन होने के, थोड़ा सा लेट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस गाड़ी का टिकट बुक करूँगा, ठीक, 59 हो चुके हैं, मैंने इस गाड़ी का क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप गौर करने वाली बात है, देखते हैं इसकी अवेलेबिलिटी कितनी टाइम खुलती है। मेन होती है अवेलेबिलिटी खुलना, अवेलेबिलिटी जितनी फास्ट खुलेगी उतनी जल्दी आपका टिकट बुक होने का चांस रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको शो कराऊँ कि जो आपने पैसेंजर भरे थे वो पैसेंजर आपके ऑटोमेटिक पिक होंगे, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप क्या देखते हैं, आप टाइमिंग चेक कर लीजिए, 11:16 17 हो रहा है टॉप में, देख सकते हैं आप। और जब मैं बुक नाउ पे क्लिक कर दिया हूँ मैंने, और आपको आगे वाला प्रोसेस बताता हूँ कि यहाँ पे आपको दिखने क्या वाला है। आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है आपकी फिल करने की डिटेल्स और जो भी आपकी पैसेंजर डेटा है, आप देख सकते हैं मोहम्मद सालिम नियामतुल्ला, ये ऑटोमेटिक इसने फेच किया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, बुक ओनली कन्फर्म बर्थ पर जाना है और इस पर जाके आपको पे कर देना है। ये जो पैसेंजर डिटेल्स जो मैंने आपको बताया था कि पैसेंजर डिटेल्स जो है आपकी वो ऑटोमेटिक फिल मिलेगी आपको, बस आपको वही करना है कि पहले आपको 10:57 से पहले लॉग इन करनी है, 10:45 पे आपको मास्टर लिस्ट ऐड करनी है, और 10:58 में किसी भी गाड़ी का जनरल कोटे का टिकट बढ़ा के पेमेंट तक ले जाना है, फिर बैक आना है, फिर बैक आना है, फिर आपको जाके वापस से रीप्लेन अपनी जर्नी करनी है। तो यहाँ पे आपको जो पैसेंजर ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, और ये देखिए दोस्तों, एक मिनट 16 सेकंड में आपका पेमेंट के लिए मांग रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना वो डाल देना है, कैप्चा डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना। 1:25 में आपका जो है टिकट आपका पेमेंट के लिए जाने वाला है। जो आपको वहाँ पे टाइम बचा है, तो मेरे ख्याल से कम 30 सेकंड का टाइम आपका वहाँ पर बच चुका है, क्योंकि आपको मास्टर लिस्ट ऐड करनी है, प्लान करनी है जर्नी, पेमेंट तक जाना है, फिर यहाँ से बैक हो जाना है, फिर आपको रिप्लान करनी है उसी गाड़ी की जिस गाड़ी को आपको तत्काल कोटे का चाहिए। आप देख सकते हैं 1:48 1:50 में आपको जो है यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन मांग रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट हुआ किसी गाड़ी का, तो 95% चांसेस होते हैं कि टिकट आपका बुक हो जाएगा।
तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ये जो ट्रिक है ना आपको काफ़ी हद तक पसंद आई होगी और काफ़ी वर्किंग ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है, पेमेंट के बाद आपका टिकट आपके सामने आउटपुट। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। मुझे टिकट बुक करना नहीं था, मुझे खाली आपको शो करना था। इसके बाद फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।